दोस्तों, आपने टीवी पर पॉपुलर शो बंदनी तो देखा ही होगा, जिसकी कहानी संतो नाम के एक लड़की के जीवन की कहानी होती है, जिसे परिस्थितियों के कारण विदुर और अपने से दो गुने उम्र के शख्स धर्मराज से शादी करनी पड़ी थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी में कई चुनौतियां आई जिसका सामना करके वो डट कर किया। संतो की इसी चुनौतियों से भरी जिंदगी पर आधारित इस शो की कहानी को अपने किरदारों में पिरोकर शो में काम करने वाले कलाकारों ने बेहद ही खूबसूरती के साथ पर्दे पर उतारा और शो को हिट भी बनाया था। लेकिन दोस्तों, कि आप जानते हैं कि अब जब इस शो को वर्तमान में 11 साल बीत चुके हैं, तो इस शो में काम करने वाले कलाकार पहले के मुताबिक काफी बदल गए हैं। समय का असर उन कलाकारों पर इस कदर हुआ कि पहली नजर में आप उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस शो के उन्हीं कलाकारों से रूबरू कराने वाले हैं जो पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो फिर आइए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार। नंबर एक, प्रेरणा वनवारे। धर्मराज की बेटी कादम्बरी की भूमिका अदा करने वाली अभिनेत्री है प्रेरणा वनवारे, जिन्होंने इस शो में सूट सलवार और साड़ी पहने अपने संस्कारी अवतार के साथ दर्शकों का खूब दिल जीता था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इन बीते सालों में अदाकारा आज काफी बदल चुकी हैं। आज 31 साल की उम्र में शो की तरह इनका सूट सलवार वाला अवतार नहीं रहा, बल्कि अब बोल्ड अवतार हो गया है। अब ये शॉर्ट ड्रेसेस, जीन्स टॉप और स्लीवलेस गाउन जैसे मॉडर्न अंदाज वाले कपड़े कैरी करती है। साथ ही इनका हेयर स्टाइल भी काफी हद तक बदल चुका है, जिसकी वजह से इन्हें एक नजर में पहचान पाना बेहद मुश्किल है। आपको बताते चलें कि आज टीवी इंडस्ट्री से काफी दूर हो चुकी हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रही हैं। नंबर दो, शार्दुल पंडित। धर्मराज के बेटे मौलिक की भूमिका अदा करते हुए शो में एक्टर शार्दुल पंडित नजर आए थे, जो अपने किरदार के अनुसार शो में सिंपल कपड़े पहने क्लीन शेव वाले अवतार में दिखाई दिए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि मौलिक के किरदार में सिंपल अवतार में नजर आए ये एक्टर आज काफी बदल चुके हैं। आज ये अपनी 35 साल की उम्र में डैशिंग और स्टाइलिश एक्टर बन गए हैं। अब ये जीन्स जैकेट वाले स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं, वही अब इनका हेयर स्टाइल भी काफी स्टाइलिश हो चुका है और साथ ही अब उन्होंने अपनी शेव भी बढ़ा ली है। और बस इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ये बिल्कुल अलग नजर आते हैं। आपको बता दें कि अब भी टीवी में सक्रिय हैं और हाल ही में ये बिग बॉस 14 सीजन में नजर आए थे। नंबर तीन, मृणाल जैन। धर्मराज के बड़े बेटे हिटेन की भूमिका अदा करने वाले अभिनेता है मृणाल जैन, जो की एक सीधे सादे और कुर्ता पजामा पहनने वाले सादगी भरे शख्स का किरदार था, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया था। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शो के अंदर कुर्ता पजामा पहनने वाले सिंपल अवतार में नजर आए एक्टर आज 36 साल की उम्र को कंप्लीट कर चुके हैं और ये उन काफी ज्यादा बदल चुके हैं। आज ये हैंडसम और स्टाइलिश हो गए हैं और जो स्टाइलिश शॉर्ट पैंट, टी शर्ट, जीन्स और सभी तरह के डिजाइनर वाले कपड़े पहनते हैं, पहले से हैंडसम और डिफरेंट नजर आते हैं। साथ ही अब इन्होंने अपनी बियर्ड भी बढ़ा ली और इसका लुक इनसे काफी ज्यादा डिफरेंट हो गया है। वही आपको बताते चले की आज भी ये टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय है और अपने नए शो की शूटिंग कर रहे हैं। नंबर चार, रोनित रॉय। शो के मुख्य अभिनेता धर्मराज की भूमिका अदा की थी एक्टर रोनित रॉय ने, जो अपने इस किरदार में कुर्ता धोती पहने मूछ लगाए एकदम धाकड़ अवतार में नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बंदनी सीरियल में धर्मराज की भूमिका में धोती कुर्ता पहने नजर आए एक्टर आज 55 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं और ये पहले से काफी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश नजर आते हैं। अब ये धोती कुर्ता नहीं बल्कि जीन्स, टी शर्ट और ब्लेजर सूट वाले स्टाइलिश और फॉर्मल अवतार में दिखाई देते हैं। साथ ही अब इन्होंने अपनी मूछों के साथ साथ अपनी बियर्ड भी बढ़ा ली है, जो इनके लुक को बेहद डिफरेंट बनाती है। आपको बता दें कि आज भी टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय है। नंबर पाँच, आयशा काजी। शो में मुख्य अभिनेत्री संतू की भूमिका अदा करते हुए एक्ट्रेस आयशा काजी नजर आई थी, जो शो में देहाती महिला की तरह भारी भरकम साड़ी और खूब सारे गहने पहने नजर आई थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दे चले कि आज अदाकारा काफी बदल चुकी हैं। आज 29 साल की उम्र में शो की तरह साड़ी और गहने पहने संस्कारी अवतार में नहीं, बल्कि आज ये शॉर्ट ड्रेसेस कैरी कर मॉडर्न अवतार में दिखाई देती है। वही अब इनका हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा स्टाइलिश हो चुका है, साथ ही अब इनका स्किन टोन फेयर दिखता है। इन्हीं अब बदलावों की वजह से इन्हें पहली नजर में पहचान पाना काफी मुश्किल है। आपको बताते चलें कि आज भी टीवी इंडस्ट्री में सक्रिय है। तो दोस्तों, आपको इनमें से किस कलाकार का बदला हुआ रूप देखकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।